तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। वो गिर रही थी और तू यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रही थी। आज अगर उसकी हालत हो गई ना तो प्रज्ञा उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार है। तूने सब रिश्ते नाते तोड़ दिए, लोगों को इतना दुख पहुंचाया कि 10,000 दुश्मन खड़े होके तेरे रिसेप्शन वाली ना तो तुझे मारना चाहते थे। लेकिन बुलबुल वो तो जितना प्यार करती है तुझे बचाने के चक्कर में वो तुझे धक्का दे दिया और वो जुमन उस पे गिर गया। सारे चेहरे बर्बाद हो गए, उसका आवाज भी नहीं निकल पा रही थी बेचारी की, इसीलिए दुख पे हाहाकार वो बहुत तड़पती रही और तूने उसे बचाया भी नहीं। माँ माँ बचो मुझे, बचो मुझे माँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं तेरे साथ और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। बोल बोल उस दिन को खोजती हूँ जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया। काश तुझे पैदा होती मैं गला दबा देती हूँ तेरा, कम से कम मेरी बुलबुल मेरे पास होती है, इस तरह से मरना नहीं पड़ता। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा? मैं पूछूंगी भगवान जी से कि औरत को ये हक तो देते कि वो एक बच्चे को जन्म दे, लेकिन ये हक क्यों नहीं देते कि वो उसे पाल सके? तो खड़ी रही, उसे मर जाने दिया। वो तुझे बड़ी बहन मानती थी लेकिन तूने तुझे कोई रिश्ता ठीक से नहीं दिया। पत्नी होने का ना बेटी होने का ना बहन होने का, तू जलती है ना बुलबुल से, तुझे जलन है ना उससे? तेरा कोई भी रिश्ता ठीक नहीं रहा, पति भी तेरा नहीं रहा, दौलत के कारण तूने सबको दूर कर दिया, तेरी माँ भी मर गई हमेशा तेरे के लिए, और वो उसे सब प्यार करते थे, उसे प्यार करने वाला पति भी मिला, इसे जलती है ना तो उससे? इसीलिए तूने हमारे आने से पहले उसको गिर जाने दिया, उसे बचाया भी नहीं। मैं तुझे क्या सजा दूं प्रज्ञा, मैं तुझे क्या सजा दूं? तो स्कूल में नाम लिखवाया था ना हमने, प्रज्ञा अरोड़ा। एक इंसान की पहचान उसके नाम से होती है और उसके परिवार का नाम उसके साथ जुड़ जाता है तो सारी दुनिया उसे पहचानती है। मैं वो नाम ही तुझसे छीन लेती, तेरा नाम मैं तुझसे नहीं छीन सकती, लेकिन जो तेरी पहचान है ना वो मैं तुझसे छीन लूंगी। हमारे बुजुर्गों ने उस नाम को संजो के रखा है, उसे इज्जत दी है, कभी भी उस नाम को नीचे नहीं गिरने दिया। तेरे बाबा के जाने के बाद भी मैंने मेहनत से उस नाम को बना के रखी थी, तूने तूने उसे नीचे गिरा दिया, इसलिए वो नाम मैं तुझसे छीन लूंगी। अब तू सिर्फ प्रज्ञा 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 अरोड़ा नहीं, अरोड़ा नाम अब तेरे नाम के साथ कभी नहीं रहेगा। तू सिर्फ अकेले प्रज्ञा के साथ रहेगी, प्रज्ञा के साथ। जन्म लिया, काश तुझे पैदा होती मैं गला दबा देती हूँ तेरा। तू सिर्फ प्रज्ञा 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 अरोड़ा नहीं, अरोड़ा नाम अब तेरे नाम के साथ कभी नहीं रहेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता,
मेरा दिल नहीं मानता कि बुलबुल कहीं गई है। मुझे लगता है कि वो शैतानियां कर रही है, वो जरूर छुप गई है। वो खेलती थी ना बचपन में, जो से पहले वैसे ही झट से माँ को और पूरब को तंग करेगी और फिर वापिस आ जाएगी। बुलबुल ऐसी बात है ना बेटा, अब बहुत हो गया, बस अब तो वापिस जा, मुझसे और सहन नहीं हो रहा। इतने सारे घाव लगे हैं तेरे चेहरे पर, तुझे दवाई भी तो लगानी है ना, आराम भी करना है, फिर इतनी ठंड में बाहर घूमेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी उसकी, ठंड भी लग सकती है उसे। बुलबुल नहीं, तुझे ठंड लगती है तो फिर तुझे वो सिरप पीना पड़ता है ना, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुझे कौड़ा लगता है। बुलबुल तू आ जा बेटा, सब कह रहे हैं दुनिया की, लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता है, मेरा दिल नहीं मानता कि तू चली गई है। अपनी बुलबुल मर गई है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। दादी ये क्या हो गया बेटा, ये बुलबुल ने चेक दिस आउट। नहीं आलिया ये नहीं, आई थिंक दिस वन इज बेटर। सनू तुम्हें कुछ भी पता नहीं, इतने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई हो ना, सो यू डोंट नो शिट अबाउट फैशन। अच्छा तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम रोज बाहर जाती हो। स्वीटहार्ट आलिया कहीं जाए या ना जाए, शी इज ऑलवेज अपडेटेड, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें मालूम चला, खबर मिली तुम्हें? क्या खबर? अरे बुलबुल मर गई। क्या राज के, क्या मजाक कर रहे हो आप? मैं मजाक क्यों करूंगा, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि किसी क्लिप से कूद करके प्रज्ञा के सामने उसने जान दे दी अपनी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। Are you serious? मैं किसी के मरने का मजाक क्यों करूंगा आलिया? हेलो, तुम क्यों शॉक में हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारे लिए तो ये गुड न्यूज है। तुम इसी की कब से प्लानिंग कर रही थी, कोशिश कर रही थी, और देखो अब बिना कुछ किए तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ से आउट। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम ऐसे। आई नो, मैं यही तो चाहती थी, लेकिन यू नो मैंने नहीं सोचा था ऐसे अचानक। आलिया गुड न्यूज अचानक ही आती है और तब मिलती है जब जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। नाउ सी बुलबुल इज ओवर और तुम पे कोई ब्लेम भी नहीं करेगा। यार राइट, कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा। बुलबुल मर गई राज भैया, बुलबुल मर गई। आई एम सो हैप्पी, बुलबुल मर गई। आई एम सो हैप्पी। You know what? I have the perfect thing to celebrate this. Wait a minute. I have something special. ये मैंने कब से इसे बचा कर रखा था, इसे special occasion के। और तनु, तुम ना इस दिन को अच्छे से याद करो। इस दिन को हम हर साल celebrate करेंगे। हम तो हर साल celebrate करेंगे, लेकिन तुम इसे रोज celebrate करोगी। तुम्हें तुम्हारी life जो मिल गई। और वैसे भी ये प्रकृति का नियम है। किसी का अंत होता है तो किसी की शुरुआत। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्यों वादा किया था ना तुमने कि सारी जिंदगी साथ निभाओगी, सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगी, तो वादा तोड़ के खुद क्यों चली गई? क्यों चले गई बोलो ना, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? इसको ठीक लेना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें, सारी जिंदगी तुमसे गुस्सा रहूंगा। प्यार निभाना नहीं था तो क्यों किया?
क्यों क्यों वादे किए, क्यों साथ दिया, अगर नहीं निभाना था क्यों? बोलो ना जवाब, तुम कुछ तो बोलो। दी दी दरवाजा खोलिए ना दी, किसी से बात नहीं करनी है तो मत कीजिए प्लीज, लेकिन दरवाजा खोलिए, कुछ खा लीजिए। सब यहाँ क्यों खड़े? बेटा और क्या, रात से अंदर है, उसने कुछ खाया भी नहीं, अपने आप को दरवाजे में बंद करके रखा हुआ, पता नहीं किस हाल में हो, दरवाजा भी नहीं खोल रही ना। रहने दो ना अंदर, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने दिनों तक अंदर रहेगी। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, इंसान चाहे कितना भी बदल जाए ना, लेकिन जिसके साथ अपना बचपन बिताया होता है ना, उसको वो कभी नहीं भूल सकता। और फिर बुलबुल तो उसकी अपनी सगी बहन थी ना, वो नाटक नहीं कर रही बेटा, अगर नाटक करना होता तो हमारे सामने करती, ऐसे दरवाजा बंद करके नहीं। अपनों का जो दुख होता ना, आदमी कितना भी छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता। अभी दीदी सही कह रही है, वो लाख बुरी सही है, तो इंसान जिस तरह चोट लगने से तकलीफ होती है ना, उसी तरह किसी अपने की मौत की तकलीफ होती है। और हम लोग तो बस बाहर खड़े रह के बातें कर रहे हैं, अंदर जाके उसकी तकलीफ को नहीं महसूस कर रहे। और फिर बेटा, खुशी के दिनों में चाहे किसी के साथ शामिल हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेटा तकलीफ के मौके पर एक दूसरे का साथ चाहिए। दुख बांटने से दुख हल्का हो जाता है बेटा, बांटना चाहिए दुख। और क्या पता हमारी हमदर्दी उसे गलत रास्ते से सही रास्ते पे ले आए, और हो सकता है कि बुलबुल की मौत उसके सुधरने की वजह बन जाए। आप लोग बेवजह इमोशनल हो रहे हैं, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि वो नाटक करी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, मैं अभी उसकी असलियत सबके सामने लाता हूँ। बस भी करो, कितना नाटक करोगे हम? सब लोग जानते हैं कि तुम अपनी बहन बुलबुल से कितना प्यार करती हो। क्यों क्यों कर रही हो ये नाटक? यहां पर कोई नहीं, किसे दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी बहन के मरने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? छोड़ दीजिए, मेरी बात का जवाब दो। किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर जवाब नहीं देना है तो दरवाजा खोलो और बाहर जाकर सबको अपनी असलियत बताओ। सबको यही लग रहा है कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है, कि तुम चाहे जितनी भी बदली हुई हो, तुम्हें तुम्हारी बहन के मरने से फर्क पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तुम फीलिंग लेस हो। और जब जब किसी के अंदर का इमोशन खत्म हो जाता है ना, तो उसे किसी के खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना, जो जो सोचना चाहता है सोच सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मेरे हाल पे मुझे छोड़ दीजिए। अगर अकेले ही रहना था तो तुम इस कमरे में क्यों आई? क्यों नाटक करी हो मेरे सामने? मुझसे सिंपैथी चाहिए ना। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। बोल रही हो तुम? तुम ये सब हमदर्दी के लिए कर रही हो, मेरे सामने इस तरह आंसू बहा रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि मैं इमोशनल हूं ना, इसलिए मेरे सामने नाटक कर मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो तुम। लेकिन जिसे तुम मेरी कमजोरी समझ रही है ना, वो मेरी ताकत भी है। मैं इमोशनल हूं इसलिए मुझे सच्चे और झूठे इमोशन के बीच का फर्क समझ में आता है। अब बंद करे नाटक का, चलो बाहर। मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा बाहर चलो, सबको अपनी असलियत बताओ। मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? अगर समझ नहीं सकते कम से कम मेरी बात सुन तो लीजिए। कोई क्या सोचता है क्या समझता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो तकलीफ मुझे हो रही है उसकी वजह मैं खुद हूँ, इसलिए ये तकलीफ मुझे अकेली सहना है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए।
आवाज़ है मुझे मेरे और अपनी आंखों के सामने मैंने बुलबुल को देखा वहां से कूदते हुए और मैं उसे रोक तक नहीं पाई। उसने मेरी आंखों के सामने अपनी जान दे दी। जो मेरे सामने पैदा हुई थी, मेरे सामने बड़ी हुई थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। आप जानते हैं कैसा लगता है जब कोई अपना आपके सामने अपनी जान दे देता है, आपकी वजह से। और वो सब देखने के बाद आपको मेरी तकलीफ नकली लगती है, मेरे आंसू नकली लगते, तो मुझे कुछ नहीं समझाना आपको। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कोई ना धरे, मुझे होना चाहिए था बुलबुल की जगह उस झूमर के नीचे उस हॉस्पिटल में। मेरी जान बचाने के लिए बुलबुल ने अपनी जिंदगी दी। वो बहन जो बोलती थी मैंने मैंने उसे जीना सिखाया, उसकी जिंदगी छीन ली मैंने उससे। इसलिए आज कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता। मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और ये सजा अगर मुझे जिंदगी भर भी मिले तो कम है और मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बहन की मौत पे रो भी ना सकूं, ये सजा मुझे नहीं दे सकती। आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते, मेरा दर्द नहीं बांट सकते, तो प्लीज मुझसे कोई सवाल भी मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है मेरे। टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, बड़ा एरिया आप लोगों ने ढंग से सर्च नहीं किया होगा। इतना बड़ा एरिया आप लोग एक बार फिर से चेक करिए ना, कोई क्लू या कुछ तो मिलना चाहिए। हमारी सर्च टीम ने पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन वो आ गए ना पुलिस वाले, पर उनके साथ बुलबुल क्यों नहीं आई? अरे वो तो बुलबुल कहीं ढूंढने गए थे ना, इन्होंने ठीक से देखा ही नहीं होगा। इनको तो बोला कि ठीक से देखे। अरे वो कहीं छुप गई होगी, तुझे पता ही कितनी शरारती करती है, और वो नहीं मिलेगी तो फिर अरे वो ठीक कैसे होगी? तुझे तो पता ही कितने सारे घाव हो रहे हैं उसको। अरे इनको बोलना, आपने ध्यान से ढूंढा भी है कि नहीं? माँ प्लीज थोड़ा सब्र रखिए, ये कि लोग कोशिश कर रहे ना, बुलबुल को कुछ नहीं होगा, ये बुलबुल को वापस लेकर आएंगे। वो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे, अगर कोशिश कर रहे होते तो उनको मिल नहीं गई होती, वहीं पे तो थी, वहीं पे वो खड़ी थी बाहर के पास। अरे इनको बहुत ध्यान से देखेंगे, वहीं के झाड़ी उड़ में होगी। अरे वो हमें ऐसी बोली जा रही है, वो हमें डरा रही है ना, तो उसको बोलना उसको। आप एक काम करिए ना, आपको पता ना आपकी बेटी नहीं है क्या? वो हमें नहीं मिल रही है तो मुझे तो तू तू बोल इनको, तू बोल इनको, आप जाइए ना, मेरे बुलबुल को लेकर आइए। आप लोग कोई काम नहीं कर सकते हो क्या ठीक से? तू पूरा तू बोल इसको ना, बोल इसको। आप अंदर चलो, मुझे बात करने दे ना, वो मैं उन्हें बोलूंगी तो बुलबुल को लेके आ जाएंगे। पहचे आप अंदर चलो, इसकी बात सुन लो आप। उन्होंने जहाँ से सुसाइड किया है वहां से बचने का कोई चांस नहीं है। बॉडी हमने हर जगह सर्च किया, जंगल पहाड़ हर जगह, लेकिन उनकी बॉडी का कहीं कोई निशान नहीं मिला। हो सकता है कोई जंगली जानवर उनकी बॉडी को खा गया हो।
ये इतना रोई क्यों जा रही है? सारे रिश्ते तो इसने तोड़ दिए, फिर अचानक बहन के मरने के बाद ये इतना प्यार कैसे बढ़ गया? ये नाटक कर रही है या बदल गई है? मुझे तो लगता है कि नाटक ये पहले कर रही थी दोनों, इसका इसकी बहन के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। इनफैक्ट ये और इसकी बहन दोनों मिले हुए थे। इस घर की सारी पैसे और सारी भाई की प्रॉपर्टीज इन दोनों ने साथ में हड़पी है, और अब जब बहन मर गई ना तो बेचारी को समझ नहीं आ रहा है कि अकेले अब हम सबका सामना कैसे करेगी।